वालेकुम सलाम, कैसे हैं? दुआ लगी पड़ी है आपकी। और हम ये आपसे तीसरी बार लगातार मिलने आए हुए हैं, तो आपको इससे कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे खुशी होती है जो भी मेरे परस्तार हैं, जो भी फैन हैं मेरे, मुझसे मिलने आते हैं, और मैं आपकी वजह से स्टेज इन लोग यानी कि स्टेज पे आया हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। और आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। हम जब भी आते हैं, आप कभी जा नहीं देते हैं या हमसे बेजार नहीं होते हैं, हमसे मिलने आ जाते हैं। मुझे खुशी होती है और ये अच्छी बात है। आपको भी थैंक यू। और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि आपका जो आवाज़ है वो जामिन अली से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अच्छा, तो आप किस आप इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे, कुछ बोलना पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो जो जामिन अली का आपने नाम लिया है, वो हमारे सिंध का बड़ा सिंगर है और बड़ा आर्टिस्ट है, और उसके जैसा तो मैं नहीं हूँ। नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा लोगों ने कहा हुआ है ना, तो हमने भी सुना हुआ है, उसीलिए हमने बोला है। इसीलिए हाँ, मैंने भी सुना है उसके जैसा आपका। नहीं, वो असल में क्या है कि उसकी एज और मेरी एज एक है ना, बस फर्क ये है, तो वो थोड़ा सा वो मोटा हो गया है और मैं पतला हूँ, तंदुरुस्त है। हाँ, और मेरे को ये बॉडी वगैरह अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा काम डांस करना है ना। अगर मेरा भी काम सिंगिंग हो तो मैं भी ये आजकल जो फकिया शकिया ये कैप्सूल निकले, मैं भी उसकी जिस तरह बॉडी वगैरह बना लूँ। अच्छा, शादी करोगे फिर डांस करोगे या छोड़ दोगे? नहीं, वो तो मेरा काम है, ये कैसे छोड़ूंगा मैं, ये तो नहीं छोड़ सकता। तो आपका जी, अच्छा आप सॉन्ग सुनाएंगे एक मेरी पसंद का? कौन सा? वो तो पहले भी मैंने आपको यानी कि सुनाया था। हाँ नहीं, मेरी पसंद का। ये इसकी हर बार ही रिक्वेस्ट आ जाती है कि मेरी पसंद का सुनवाना, हर बार इसका नहीं तो जान आ गई है मेरे पास। हाँ। इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, अभी उन्हें अचानक से किसी का कॉल आ गया था और ज़रूरी काम था उनका, तो इसी वजह से वो अभी चले गए हैं। तो बाकी का जो आधा था वो हम फिर कभी आएंगे यहाँ पे उनसे मिलने, फिर कभी उनका हाफ इंटरव्यू ये था वो कंप्लीट कर देंगे। इसी से जाने से पहले इनके चैनल को इनकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आई तो। बाय।